दोस्तों, पिछले कई सालों से जियोलॉजिस्ट ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि 15 से 20 करोड़ वर्ष पहले की दुनिया कैसी रही होगी, डायनासोर का जीवन कैसा होगा। दोस्तों, आपने डायनासोर या किसी भी जानवर के फॉसिल्स देखे हैं क्या? नहीं देखे तो कोई बात नहीं, हम दिखाते हैं असली डायनासोर का फॉसिल। धरती पर मिले सारे डायनासोर के फॉसिल्स में सिर्फ उनकी हड्डियां ही पाई गई हैं, लेकिन हाल ही के कुछ सालों में ऐसे डायनासोर का फॉसिल मिला जिसकी सिर्फ हड्डियां ही नहीं थी बल्कि उन हड्डियों पर चढ़ा डायनासोर का मांस भी था। जी हाँ, ये फॉसिल नोटिसोरस डायनासोर का है जो कि 10 करोड़ साल पुराना है। ये फॉसिल कनाडा में खोजा गया और ये अनोखी खोज एक फॉसिल कम बल्कि डायनासोर का स्टैचू ज्यादा लगता है, क्योंकि इस डायनासोर का पूरा मांस शरीर में मौजूद था बल्कि उसकी कुछ इंटेस्टाइन भी सही सलामत थी। धरती का ये एकमात्र ऐसा फॉसिल है जो हमें डायनासोर की सबसे सटीक तस्वीरें देता है। स्टारफिश फॉसिल। समुद्री जीवों में स्टारफिश देखने में बहुत ही आकर्षक जीव है। तारों की तरह इसका आकार बच्चों सहित सभी को आकर्षित करता है। आसमान में रहस्यमय चमकीले तारों के आकार को समुद्र की गहराइयों में देख पाना किसी रोमांच से कम नहीं है, लेकिन स्टारफिश को लेकर एक रहस्य अनसुलझा था कि उनकी भुजाएं कैसी विकसित हुईं। ताजा अध्ययन में कहा गया कि मोरक्को के रेगिस्तान में मिले सुरक्षित फॉसिल ने इस गुत्थी को सुलझा लिया है। किसी फॉसिल के तौर पर अब तक सबसे पुरातन स्टारफिश की खोज में स्टारफिश जैसे कैंटाब्रिगेस्टर जानवर का नाम आता है। ये साल 2003 में खोजा गया था और इसकी सही जानकारी हासिल करने 17 साल लग गए थे। सबसे खास बात यह है कि इसमें स्टारफिश और उसकी नजदीकी ब्रिटल स्टार के गुण लगभग ना के बराबर हैं। ये दोनों स्टेरोजोआ परिवार के सदस्य हैं। उनके पूर्वज सुमास्ट्रोराइड्स खास तौर पर नाजुक हुआ करते हैं और इनके बहुत ही कम नमूने मिले हैं। आखिर सुलझ गया नालीदार किलगीदार डायनासोर की आकृति का रहस्य। दोस्तों, डायनासोर के बारे में हर नए फॉसिल से नई जानकारी मिलती रहती है। इस बार नए जीवाश्म में डायनासोर की एक स्पीशीज के बारे में बिल्कुल नई जानकारी दी गई है। पैरासोरोलोफस प्रजाति के इस डायनासोर की इस बार एक पूरी खोपड़ी मिली है, जिससे वैज्ञानिकों को इस डायनासोर के विकास के बारे में अहम लेकिन बहुत ही दिलचस्प जानकारी मिली है, जिसके आकार आदि के बारे में भी फैसला नहीं हो सका था। इस शोध के मुताबिक बतख की चोंच की तरह इस डायनासोर की भी आकृति हुआ करती थी। डेनवर म्यूजियम ऑफ नेचर एंड साइंस के क्यूरेटर जो सर्टिज का कहना है कि ये नमूना एक पूर्वज से इस शानदार जीव के विकसित होने की बेहतरीन मिसाल है। धरती की सबसे बड़ी चींटी। साल 2011 में चार वैज्ञानिकों की टीम ने एक ऐसी विशाल चींटी का फॉसिल खोजा जिसके सामने आज की बड़ी से बड़ी चींटी भी बच्ची नजर आएगी। फॉसिल में मिली इस चींटी का साइज आज की चींटियों के साइज के बराबर है और ये धरती पर रह चुकी सबसे बड़ी चींटी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि उस समय चींटी मांसाहारी थी और वो अपने शरीर से जानलेवा एसिड भी फेंका करती थी। ये फॉसिल 5 करोड़ साल पुराना है, जो कि हमें ये बताती है कि उस समय इतनी बड़ी चींटी धरती पर घूमा करती थी। डायनासोर खाने वाले मेंढक। आज के समय में आपने एक से बढ़कर एक मेंढक देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि करोड़ों साल पहले मेंढक कैसे दिखते थे और कितने विशाल हुआ करते थे? साल 1990 में मेडागास्कर में 7 करोड़ साल पुराना एक मेंढक का फॉसिल मिला। इस फॉसिल की सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि फॉसिल में मिले इस मेंढक का साइज आज के समय में सबसे बड़े मेंढक के मुकाबले 5 गुना ज्यादा था। वैज्ञानिकों ने यह बताया कि इन मेंढक के बड़े बड़े दांत थे और शरीर काफी सख्त हुआ करता था। वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि इन मेंढकों का साइज और भी बड़ा हो सकता है, इतना बड़ा कि इनकी कुछ प्रजातियां डायनासोर के बच्चों को खाया करती थीं। अब आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मेंढक कितने ज्यादा खतरनाक थे। पैरों पर चलने वाली वेल। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आज के जानवर लाखों करोड़ों साल पहले बहुत अलग हुआ करते थे और इसके हमारे पास अच्छे खासे सबूत भी अवेलेबल हैं। लेकिन साल 2007 में भारत में एक ऐसा फॉसिल मिला जिसने सबको हैरानी में डाल दिया। भारत में मिला ये फॉसिल एक ऐसे वेल का था जिसके पैर मौजूद थे। जी हाँ दोस्तों, करोड़ों साल पहले वेल के पैर हुआ करते थे और वो जमीन पर रहा करते थे। समय के साथ वेल्स ने इवॉल्व किया और आज वो गहरे समंदर में रहने वाले जीव हैं। भारत में मिला ये फॉसिल एक कुत्ते के जैसा है, लेकिन ध्यान से पढ़ने पर पता चलता है कि इस फॉसिल से जुड़ी कई जानकारियां एक वेल से मेल खाती हैं।
साल 2011 में पेरू में भी ठीक ऐसे ही फॉसिल मिले, जिसमें उन्होंने इस बात की पुष्टि करी कि फॉसिल कुत्ते का नहीं बल्कि पैरों पर चलने वाली व्हेल का है। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे ज्यादा चौंकाने वाला फॉसिल कौन सा लगा, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मीट यू इन अनदर वीडियो, टिल दैट गुड बाय।